इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज बारीक कटे हुए, 4 आलू फ्लावर, 3 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, मटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, पाव भाजी मसाला, तेल, नमक और लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें आलू डालेंगे, फ्लावर डालेंगे, मटर डालेंगे, पानी डालते हैं, और अब हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। दो सीटी तक हम सब्जियां बॉईल करेंगे। दो सीटी हो चुकी है, अब हम गैस को बंद करेंगे, कुकर को ठंडा होने देते हैं। भाजी बॉईल हो चुकी है, अब हम इसे थोड़ा सा मैश करते हैं। इस तरीके से इसको मैश कर दें। अब मैश हो चुका है, अब हम मसाला तैयार करेंगे। 3 चम्मच तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे, तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच पाव भाजी का मसाला डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और खुशबू आने तक इसे पकने देते हैं। बीच बीच में हिलाते रहें, मसाले की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। हमने जो सब्जियां मैश करके रखी हुई थी वो अब हम इसमें डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वादानुसार, मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें जो बॉईल की हुई सब्जी का पानी बचा हुआ था वो इसमें डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। हमारी भाजी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी पाव भाजी।